नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के निधन से जहां पूरी साउथ सिनेमा इंडस्ट्री में शोक की लहर है, तो वहीं उनके दो ऐसे चाहने वाले फैन भी थे जो पुनीत की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हुनूर तालुका के मारो गांव में एक 30 साल के शख्स ने जैसे ही पुनीत की मौत की खबर सुनी तो उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मुनियप्पा के रूप में हुई है, जो एक किसान था और अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया है। लोगों ने बताया कि मुनियप्पा ने पुनीत के निधन की खबर सुनते ही वो सन्न रह गया और खूब रोने लगा। इसी बीच उसके सीने में दर्द हुआ और वह नीचे गिर गया। गांव के लोग तुरंत उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत घोषित कर दिया। वहीं बेलगावी के शिंदोली गांव में भी पुनीत के एक फैन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मृतक का नाम परशुराम दे मन्नावर था। वह पुनीत राजकुमार का कट्टर प्रशंसक था। निधन की जानकारी मिलने के बाद वह काफी दुखी था और टीवी के सामने बस रोए जा रहा था। रात 11 बजे उसे दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। बता दें कि कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से एक्टर ने 46 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। मल्टी टैलेंटेड पुनीत राजकुमार एक्टर होने के साथ साथ प्लेबैक सिंगर, टीवी प्रेजेंटर, प्रोड्यूसर भी रहे थे। पुनीत राजकुमार कन्नड़ सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। वे 29 फिल्मों में लीड एक्टर रहे थे। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया था।